हेलो स्टूडेंट्स, वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से मैं दिगेंद्र वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आज ही आपको मेंस का किस प्रकार से पेपर्स आएंगे उनका मैं पैटर्न आपको बताऊंगा। तो देखिए, इस वीडियो में आपको सिविल जज MPCJ 2 के जो चार पेपर्स होते हैं, मेंस एग्ज़ाम में आपके 4 पेपर्स होंगे, 100 मार्क्स के एक पेपर होता है, तो टोटल 400 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं। उन चारों पेपर का क्या पैटर्न होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको आज देखने मिलेगा। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो मैं देखिए आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, पेपर्स बता रहा हूँ कि आपके लिए किस प्रकार से पेपर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी, जैसे 12 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 12 सब्जेक्ट्स में 12 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, 12 वीडियोज़ मिलेंगे जिनमें कि क्वेश्चंस की लिस्ट होगी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। तो थोड़ा सा आप अच्छे से वीडियोस देखिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है चैनल। तो देखिए, अब जो है आज अभी इस वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चारों पेपर्स आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक आइडिया लग जाएगा आपको। देखिए, चार पेपर है, एक पेपर आपका, दो पेपर्स आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना होते हैं, और तीसरे पेपर में आपको आर्टिकल राइटिंग है, समराइजेशन का वाला पार्ट है और ट्रांसलेशन है, और नेक्स्ट लास्ट पेपर में आपके जजमेंट राइटिंग है, सिविल का जजमेंट है, क्रिमिनल का जजमेंट है, एंड देन चार्ज फ्रेम करना है और इश्यूज फ्रेम करना है। तो इस प्रकार से आपके फोर्थ पेपर में इस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में, अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से चार पेपर आते हैं। आप लोग अपनी तैयारी करिएगा अच्छे से, और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं स्पष्ट बता ही चुका हूँ कि MPCJ 2 के लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है 20 अप्रैल से, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्टूडेंट, देखिए अब वो चारों पेपर किस प्रकार से आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है MPCJ 2 के मेंस एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर, 2019 का है। देखिए, ये इसका फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉज एंड प्रोसीजर, इसके बारे में पूछा जाता है। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें देखिए 12 है, और 3 घंटे का टाइम रहता है देखिए आपके लिए एक प्रश्न पत्र को लिखने के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी एक ही भाषा में देने हैं। ध्यान रखिए कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके नहीं लिखना है, या तो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होते हैं स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रक्शन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 2 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। देखिए, ये 16 मार्क्स का आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए सीपीसी है, देखिए सीपीसी का भी 2 क्वेश्चंस देखिए, ये भी 16 मार्क्स के आते हैं, 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद देखिए, आप सीपीसी के बाद आता है टीपी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी 16 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो देखिए, अब उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उससे भी 16 मार्क्स का पूछा जाता है, उससे भी 2 प्रश्न आते हैं, और इसी प्रकार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 16 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद देखिए, अब आपका परिसीमा अधिनियम आता है, लिमिटेशन एक्ट, जो 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है लिमिटेशन एक्ट से। तो देखिए, अब आपको समझ में आ चुका है कि लगभग 88 मार्क्स, एग्जैक्टली 88 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मिक्स्ड में देखिए, ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट देखिए ये 2-3 पूछ लेते हैं, कभी 2 कभी 3, इस बार 3 पूछे थे,
तो ये 12 नंबर के देखिए ये आते हैं, तो 88+12 मतलब 100 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए फर्स्ट पेपर ये होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, जो इजीली आप देखिए अच्छे से तैयारी करेंगे तो लगभग 65-70 नंबर तक इजीली लेकर आ सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस हाँ आपको तैयारी प्री के साथ में ही करना होती है। जैसे कि देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वशिष्ठ क्लासेस में प्री के साथ ही मेंस की तैयारी होती है, तो जो दो पेपर्स की तैयारी होती है स्टूडेंट्स जो प्री के साथ में तैयारी की जाती है, उनमें से एक पेपर ये वाला भी होता है जो फर्स्ट पेपर आपके सामने ये है, इसकी तैयारी भी प्री के साथ ही कराई जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं अब दूसरा पेपर। ये देखिए स्टूडेंट्स ये है सेकेंड पेपर, सेकेंड पेपर जो कि आर्टिकल एंड समरी राइटिंग का पेपर होता है, ये भी 3 घंटे का ही होता है स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी देखिए वही बात है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और हिंदी और इंग्लिश के बीच अगर कोई डाउट होता तो इंग्लिश वाली बात मानी जाती है, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस देखिए आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें जो मेंशन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर किसी को कोई लेना है तो स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस देखिए इसका आर्टिकल राइटिंग देखिए, ये आपका हिंदी और इंग्लिश, राइट एन आर्टिकल इन हिंदी और इंग्लिश और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल टॉपिक्स, ये सोशल टॉपिक इस तरह से दिए जाते हैं। ये देखिए 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है कि दोनों में से कोई एक पे लिखना होता है, दो पिछली बार पूछे गए थे उसमें से एक लिखना था, 30 मार्क्स का होता है। इसके बाद देखिए हिंदी और इंग्लिश एक लीगल टॉपिक, उसी तरह से आपका आर्टिकल एक और है सेकंड क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है लीगल टॉपिक पर, और जो पिछला वाला प्रश्न था आपका फर्स्ट वाला वह सोशल टॉपिक पर होता है जो 30 मार्क का होता है, सेकंड क्वेश्चन लीगल टॉपिक पर होता है, दो में से कोई एक करना होता है। तो ये टोटल 30 और 20 50 मार्क्स के दो क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद देखिए समराइज द वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश और हिंदी पैसेज, तो ये अब एक संक्षिप्तीकरण हमें करना होता है, बहुत बड़ा ये बड़ा सा पैराग्राफ होता है, इसको शॉर्ट में लिखना होता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि देखिए जो 20 मार्क्स का आता है। तो देखिए अब कितने हो गए, 30+20 50 और ये 20 70, दैट इज 70 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट आता है आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है, या तो हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब इसके बाद देखिए ट्रांसलेशन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि हिंदी टू इंग्लिश होता है और एक इंग्लिश टू हिंदी होता है, दो होते हैं। तो ये देखिए हिंदी टू इंग्लिश से 15 ट्रांसलेशन आपको करना होते हैं, एक ट्रांसलेशन एक नंबर का होता है, तो टोटल 15 मार्क्स के ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश करने के लिए आते हैं। तो देखिए ये 15 आपके लिए ये ऐसे दिए रहेंगे ट्रांसलेट करने के लिए, और उसी तरह यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी भी है वो भी 15 है, तो टोटल 15+15 30 मीन 70+30 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। तो ये पेपर थोड़ा सा स्कोरिंग पेपर होता है स्टूडेंट्स, आप इसकी अच्छे से तैयारी करोगे तो लगभग 75 से 80 नंबर तक इसमें ला सकते हैं, 75 to 80 मार्क्स तक इसमें आसानी से आप ला सकते हैं यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो। तो ये जो पेपर है सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, इसकी तैयारी जो मेंस का बैच होता है उसमें कराई जाती है, मतलब जो आपका प्री का बैच है अभी उस बैच के बाद जिसका प्री में सिलेक्शन होगा, तो मेंस का एक बैच बनाया जाता है 2 महीने का, उस बैच में आपको इस पेपर की तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका थर्ड पेपर जो कि लोकल लॉज, क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर वाला पेपर होता है, थर्ड पेपर, ये भी 3 घंटे का इसमें टाइम मिलता है देखिए आंसर लिखने के लिए, और 100 मार्क्स का ये पेपर भी होता है। इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन है सेम, देखिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब इसमें देखिए जो देखिए एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, इससे एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से 2 क्वेश्चंस आते हैं देखिए, 16 नंबर के 8 मार्क्स ईच, और इसके बाद देखिए MPLRC है दूसरा सब्जेक्ट, इससे भी 16 नंबर का पूछा जाता है 16 मार्क्स का, इससे भी 2 प्रश्न आते हैं, इंटरनल चॉइस इनमें नहीं होती है स्टूडेंट ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए एविडेंस एक्ट है, तो एविडेंस एक्ट का भी 16 मार्क्स का पूछा जाता है,
दो प्रश्न आपको देखिए इनके उत्तर लिखना है, और उसके बाद देखिए 16 मार्क्स का ही आईपीसी पूछा जाता है जो कि दो प्रश्न है इसके भी, और इसके बाद आईपीसी के बाद देखिए सीआरपीसी के भी दो क्वेश्चंस आते हैं जो कि 16 मार्क्स के होते हैं, 16 नंबर के ये होते हैं, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 8 नंबर का पूछा जाता है, सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपके टोटल देखिए 88 मार्क्स के ये प्रश्न होते हैं 88 नंबर के, और उसके बाद देखिए मिक्स्ड में आपसे 12 नंबर का ये पूछा जाता है, तो शॉर्ट नोट, तीन शॉर्ट नोट इसमें, दो शॉर्ट नोट पूछे गए हैं देखिए, तीन पूछे गए सॉरी, ए बी और सी, तो 12 नंबर की ये है, तो 88 प्लस 12 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये तीसरा पेपर जो जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है, ये मैंने डिटेल में बताया है कि इसकी तैयारी मीन्स देखिए इसके आंसर लिखना कैसे है, सब्जेक्ट्स के आंसर कैसे लिखना होते हैं, ये आपको प्री के साथ में ही तैयारी कराई जाती है बस स्टॉप क्लासेस में। तो आपका जो अभी जो बैच है 20 अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपके लिए प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है, और जो पहला पेपर है और तीसरा पेपर, इन दोनों पेपर्स की तैयारी स्टार्टिंग से ही हम करते चलते हैं, और जो दो सेकंड पेपर और अभी जो फोर्थ पेपर आने वाला है, वो दोनों पेपर्स की तैयारी मेंस के बैच में अलग से उस समय होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है फोर्थ पेपर, आपका चौथा पेपर ऐसा आता है, ये भी 3 घंटे का ही इसमें टाइम रहता है, 100 मार्क्स का होता है, और इंस्ट्रक्शंस वही है जो आपके बाकी पेपर्स में होते हैं, उसी तरह आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसके बाद देखिए, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का होता है, ये एक प्रॉब्लम दी हुई होती है, देखिए ये आपके सामने एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसमें आपको इशूज़ फ्रेम करना है, सेटलमेंट ऑफ इशूज़ देखिए सिविल केस में फ्रेम किए जाते हैं, तो ये इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम भी है, देखिए ये प्लेंटिफ का क्या प्लीडिंग है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या आया है, डिफेंडेंट ने क्या WS फाइल किया है, और क्या उनके देखिए ये हिंदी में लिखा है वादी के अभिवचन, प्रतिवादी के अभिवचन, ये इस आधार पर आपको इशूज़ फ्रेम करना, देखिए जब इशूज़ फ्रेम करना मैं सिखाऊंगा आपको मेंस के बैच में, तब आपको बहुत डिटेल में सीखने मिलेगा कि किस प्रकार से इशूज़ फ्रेम किए जाते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको होता है चार्जेस फ्रेम करने का, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो देखिए चार्जेस क्रिमिनल केस में चार्जेस फ्रेम होते हैं, इसमें देखिए प्रोसिक्यूशन का केस जो है, क्या एलिगेशन है, ये बताया जाता है इंग्लिश वालों को इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए हिंदी, अब इसमें आपके लिए चार्ज फ्रेम करना है, तो ये भी देखिए 10 नंबर का आता है, तो टोटल आपके 20 मार्क्स देखिए 20 मार्क्स इशूज और चार्जेस से आपको मिलते हैं, जो जनरली पूरे में से पूरे मिलते हैं, ये बहुत स्कोरिंग पेपर होता है स्टूडेंट्स, लगभग 75 से 80 मार्क्स तक इसमें लाए जा सकते हैं, अच्छी तैयारी आप करें तो इतने आ सकते हैं इसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका वो जजमेंट राइटिंग वाला होता है, सिविल जजमेंट जो कि 40 मार्क्स का होता है, 40 नंबर का, इसमें देखिए प्लेंटिफ का प्लीड क्या है, उनका प्लीडिंग क्या है, और क्या डिफेंडेंट की प्लीडिंग है, क्या मतलब वादी क्या कह रहे हैं, प्रतिवादी क्या कह रहे हैं, उनके जवाब दवा क्या है, उसके बाद देखिए क्या प्लेंटिफ का एविडेंस है, वादी की क्या साक्ष्य आई है, डिफेंडेंट की क्या एविडेंस आई है, ये इन सब के ऊपर आर्ग्यूमेंट क्या किए हैं देखिए प्लेंटिफ ने, और डिफेंडेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट किए हैं, ये पूरे डिटेल में आपको लिख कर दिया जाएगा पेपर में ही, और इंग्लिश वालों को इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए हिंदी, ये दिया गया है देखिए स्टूडेंट्स, वादी के अभिवचन ठीक है, प्रतिवादी के अभिवचन, वादी की साक्ष्य, प्रतिवादी साक्ष्य, और इसके बाद तर्क, प्रतिवादी के, वादी के तर्क, और उसके आधार पर अब आपको जजमेंट लिखना है, तो ये जजमेंट राइटिंग जो है वो आपको मेंस के बैच में सिखाई जाएगी, 40 नंबर का सिविल का जजमेंट होता है, और उसी तरह 40 नंबर का आपका 40 मार्क्स का क्रिमिनल का जजमेंट होता है, 40 मार्क्स का ही क्रिमिनल का एक जजमेंट होता है, इसमें प्रोसिक्यूशन का केस बताया जाता है, देखिए क्या घटना है, किसके साथ फरियादी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, उसको क्या, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है, ये पूरा डिटेल में देखिए इसमें लिखा हो गया है पूरी कहानी उनकी केस की, डिफेंस ने क्या प्ली ली है, ये भी आपको मिलेगा, इसमें एविडेंस क्या हुआ है देखिए प्रोसिक्यूशन का, ये देखने मिलेगा, इसके बाद देखिए ये आपके एविडेंस ऑफ डिफेंस, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर, आर्ग्यूमेंट ऑफ डिफेंस काउंसिल, ये सारा चीज़ें आपको मेंस इस पेपर में ही आपको बताया जाएगा, जो आपका पेपर है
उसमें सारा इसमें लिखा रहेगा। इसी के आधार पर आपको ये हिंदी वालों के लिए हिंदी लिखे अभियोजन का प्रकरण है क्या, उनका प्रकरण किस तरह से, उनकी कहानी है केस की, प्रतिरक्षा विभाग डिफेंस क्या लिया गया है, अभियोजन की क्या साक्ष्य आई है, बचाव की क्या साक्ष्य आई है, क्या उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों पक्ष के, ये पूरा डिटेल में आपको एक प्रॉब्लम दी गई है। अब इसके आधार पर आपको जजमेंट लिखना है। इसके आधार पर अब जजमेंट लिखना, देखिए जजमेंट आपकी भाषा में होता है, आप जो है देखिए वो सिखाया जाएगा आपको, चिंता मत करिए। मेंस का जो बैच होगा उसमें आपको पूरे डिटेल में सिखाया जाएगा जजमेंट राइटिंग। तो ये इन्हीं में टाइम लगता है, देखिए हम जो 2 महीने का हमारा बैच होता है मेंस का, इसी यही सब सीखने में टाइम लगता है। तो ये 100 मार्क्स का जो पेपर है देखिए आपका जजमेंट राइटिंग वाला, ये स्कोरिंग पेपर है, ये भी स्कोरिंग पेपर है जजमेंट राइटिंग वाला। इसमें देखिए चार्जेस भी फ्रेम करना होते हैं और इश्यूज फ्रेम करना होते हैं। तो टोटल मिला के इस तरह से 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसको कि बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। 75 से 80 मार्क्स जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, आप इसमें ला सकते हो। बहुत बढ़िया पेपर होता है स्टूडेंट्स, ये वाला पेपर और आपका सेकंड एंड फोर्थ पेपर, इन दोनों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चंस देखिए, अब आप अच्छे से प्री के साथ में तैयारी करते हुए चलेंगे तो फिर आप फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर इन दोनों में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए आपको समझ में आ चुका है चारों पेपर किस प्रकार के आते हैं, आप अच्छे से स्टूडेंट्स अब इन चारों पेपर के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए देखिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चारों पेपर्स के लिए आपको चारों पेपर्स में तो नहीं हो पाता, देखिए 2 पेपर्स जो आपके हैं, 2 पेपर्स के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी जाएगी। पूरे 12 सब्जेक्ट के 12 वीडियोस होंगे जिनमें आपको फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना काफ़ी है और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।